बात करेंगे P20 Pro के बारे में। अगर टाइम हो तो पूरी वीडियो देख लेना, टाइम नहीं होती यहीं से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके 65,000 रुपये बचा सकते हैं। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, 65,000 रुपये किसी और के बच जाएंगे। सो हाय गाइज, मैं शुभम, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुआई P20 Pro के बारे में। डिवाइस हुआई ने लॉन्च कर दिया है 64,999 रुपये। डिवाइस लॉन्च कर दिया है हुआई ने 64,999 रुपये कीमत में, और जो प्राइस रखी गई है वो पता नहीं किस हिसाब से रखी है। सैमसंग को कम्पीट कर रहे हैं, गूगल को कम्पीट कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं जो 64,999 रुपये प्राइस रख दी। केवल ट्रिपल कैमरा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 अंकों में प्राइस रख दोगे। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसके ओवरव्यू के बारे में, कि आपको फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर इसकी जगह आपको गूगल Pixel 2 XL या फिर सैमसंग S9 Plus खरीदना लेना चाहिए, सारी चीज़ें, और वाई का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है या फिर ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहले बात करें फ़ोन के डिज़ाइन की, तो फ़ोन की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। 6.1 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि एक 18:9 रेशो वाली डिस्प्ले है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है वो इसमें एंड्रॉयड 8.1 दिया हुआ है। EMUI 5.1 के साथ में वर्क करेगा, जो कि एक मतलब इनकी कस्टम स्कीम है, उसी के साथ में काम करेगा। और फ़ोन में जो रैम दी गई है वो 6 GB की दी गई है, 128 GB की स्टोरेज के साथ में आता है फ़ोन। फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन में चार्जर दिया हुआ है, जो तो USB Type-C वाला दिया हुआ है। इसमें कोई भी हेडफोन जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन का वज़न तकरीबन 180 ग्राम है। सेम स्पेसिफिकेशन शायद किसी फ़ोन में नहीं है। S9 में आपको अच्छी खासे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, Snapdragon 845 मिलता है, वो ले सकते हो। बात करें अगर इसके कैमरे की, तो कैमरा एक मेजर हाईलाइट है कि हमने यहाँ पे तीन तीन कैमरे दे दिए, तीन तीन, 1 2 3, और तीनों कैमरे हमारे काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग करेंगे। आप सब जानते हो कि गूगल के फ़ोन में एक कैमरा दिया हुआ है, पर इन तीनों कैमरे के बराबर वो एक कैमरा 12 MP का केवल काम कर सकता है। तो केवल मेगापिक्सल की साइज़ बढ़ाने से या फिर सेंसर की साइज़ बढ़ाने से काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग है, काफ़ी अच्छा इमेज आपको मिलेगा। नहीं, सॉफ्टवेयर भी एक काफ़ी आम बात होती है, काफ़ी अच्छी बात होती है, जिससे कि आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे 40 MP इसमें एक कैमरा दिया हुआ है, सिंगल कैमरा जो 40 MP का है। मेन RGB सेंसर है, 20 MP का ब्लैक एंड वाइट सेंसर दिया हुआ है, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट सेंसर है जो F1.6 एपर्चर के साथ में आता है। और जो एक और कैमरा दिया हुआ है वो 8 MP का कैमरा है, जो F2.4 एपर्चर के साथ में आता है। अब कुल मिला के होते हैं 40, 20 प्लस 8, 68 MP का कैमरा दे रहे हैं भाई। ये बहुत अच्छी इमेज आएगी, इतनी अच्छी आएगी कि जल्दी फोकस कर लेगा, जैसे ये फोकस नहीं हो पा रहा ना। भाइयों सलाह यही देता हूँ कि इस फ़ोन को मत खरीदना। और इसमें जो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो 24 MP का दिया हुआ है। यार मानता हूँ आपने तीन तीन चार चार कैमरे दे दिए, पर सारे पैसे के कैमरे में लगा दिए क्या आपने? सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी बात होती है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को नहीं मिलेगा है। मतलब एंड्रॉयड अपडेट्स के आप भूल ही जाइए, एक बार मिल जाएगी, दो बार मिल जाएगी, पर गूगल की तरह नहीं है, आपको 3-4 साल तक मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, कि आपको फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड वैल्यू के बारे में। हुआई की ब्रांड वैल्यू आप सब जानते हो कितनी है, इतनी भी नहीं है, इसका मतलब समझने हुए आप, इतने भी नहीं है। तो हवाई क्यों खरीदें हम? कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझसे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस कोई नहीं जानता। मैं खुद यहाँ पे दो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, हवाई के Nexus 6P, दोनों 40,000 इसके, 40,000 इसके, 80,000 रुपये के फ़ोन खरीदे हैं, पर एक्सपीरियंस ऐसा है कि दोबारा मैं इनका 80 रुपये का फ़ोन खरीदने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मेरा फ़ोन बूट लूप इशू में जा चुके थे। इन्होंने कहा कि आपको 40,000 रुपये करने पड़ेंगे, मतलब पर फ़ोन 20,000 रुपये मदरबोर्ड के लिए, जबकि जो डिफेक्ट था वो इनकी तरफ से ही था, पर हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, इन वारंटी में हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने कई बार ईमेल किए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, वीडियो बनाया हुआ है। फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद होता है, ऑटोमेटिकली ऑन होता है बूट, इवन 30% बैटरी रहेगी तब भी बंद हो जाएगा। ये तो मेरी कस्टमर एक्सपीरियंस की बात थी, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अब बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन के लिए आपको सैमसंग, यार इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा ब्रांड है, वो खरीद लो ना यार। S9 खरीद लो, S9 Plus खरीद लो,
गूगल पिक्सल 2 XL खरीदो और कैमरे का शौक है, तीन तीन कैमरे कुछ नहीं करेंगे, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का कंप किया हुआ है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो अब आप डिसाइड कर सकते हो कस्टमर एक्सपीरियंस इस कैसा है, क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर सैमसंग के साथ में जाना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए 1+6 का। वेट कर लो यार, 1+6 का काफ़ी अच्छा काफ़ी सस्ता डिवाइस आएगा, 2 1+6 खरीद लेंगे अपन आराम से। सो गाइज फ्रेंकली यही बात करनी थी, S9 Plus खरीदो, S9 खरीदे, गूगल पिक्सल 2 XL खरीद लो, चाहे माइक्रोमैक्स का भारत वन खरीद लेना, पर हुआई का फ़ोन मत खरीदना। इतना घटिया एक्सपीरियंस है, इतना घटिया इतना घटिया इतना घटिया कि मेरी इच्छा हो तो भी वीडियो में गालियाँ बक सकता हूँ उस कंपनी को मैं, पर वही है कि मैं इतना आगे भी नहीं जा सकता, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जाहिर कर सकता हूँ बस मैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर पसंद आती है वीडियो तो शेयर कर दो, क्योंकि 65,000 रुपये किसी की वेस्ट हो रहे हो तो बचा लो यार।